हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्रिल वाला ब्लाउज, जिसके नेक के ऊपर फ्रिल होगी और नेक की ही बाजू होंगी। तो ये हमने आधे मीटर कपड़ा लिया है और ये हमने अपने मेजरमेंट के हिसाब से ले, आप जितना भी प्लेन कपड़ा लेना है। तो ये हमने कपड़ा लिया, ये हमारा 4 लेयर में है, ये इतना ही ब्लाउज के लिए और ये आधा मीटर नेट हमने अलग से ली है। अब देखिए, सबसे पहले हम इसे इस तरीके से, ये हमारा 4 लेयर में रखा है, इसकी कटिंग करेंगे ब्लाउज की। तो तीरा है जो, वो इसमें हम रखेंगे, इसमें फुल नेट बाजू रख रहे हैं तो हम यहाँ पर तीरा 9.5 इंच लेंगे। वैसे तीरा हमारा 14 इंच है और 14 का हाफ होता है 7 इंच, लेकिन इसमें हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि इसमें हम नेट की जो बाजू लगा रहे हैं तो बिल्कुल ऊपर तक टेढ़ी टेढ़ी नजर नहीं आएंगी और उसमें लाइनिंग लगाते नहीं है बाजू में। तो यहाँ पर 9.5 इंच पर मैं एक मार्क कर देंगे। अब यहाँ से जितना आपका तीरा होता है नॉर्मली, उसके हिसाब से हमें आर्म होल्स लेने हैं। तो हमारा 14 है तो 14 का हाफ 7, तो यहाँ पर 7 इंच पर एक मार्क करेंगे, ये हमारी आर्म होल्स होंगे इस तरीके से। तो बैक पीस के लिए हम 1.5 इंच पर एक कर देंगे और फ्रंट पीस के लिए 1 इंच पर। तो यहां से देखिए, जो 7 इंच लिया है हमने, इसका 7 का हाफ होगा 3.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और इस मार्क को बाहर की साइड वाले मार्क से मिला देंगे, ये हमारा बैक होगा। अब 1/2 इंच की अंदर की तरफ गहराई लेंगे इस तरीके से और ये फ्रंट के लिए है, ये मार्क हमारा फ्रंट के लिए है। और अब देखिए, यहां से हमें गला लेना है अपना, तो गला लेंगे हम यहाँ से 3 इंच और 3 इंच ही हमें नीचे की तरफ लेना है और इस तरीके से इसका भी बॉक्स बना देंगे। इसमें भी राउंड शेप डालेंगे इस तरीके से और इसमें हम इस जगह पर कटिंग नहीं कर रहे हैं, ये ऐसे ही सीधा रखेंगे। अब यहाँ से अपना मेजरमेंट ले लें जितना भी आपका हो, जैसे कि हमारा मेजरमेंट का हिसाब है 14 इंच यानी 40 इंच है, तो 40 का 1/4 भाग आएगा 10 इंच और 10 इंच में हम 2 इंच और प्लस करेंगे, जोड़ेंगे तो यहाँ पर 12 इंच आएगा। यहाँ पर 12 इंच पर एक मार्क कर लेंगे और कमर है हमारी 36, तो 36 का 1/4 भाग 9 इंच, 9 में हम 2 इंच प्लस करेंगे तो 11 इंच आएगा। और अब यहाँ से आप अपनी लेंथ नाप लें, तो देखिए लेंथ हम रखेंगे 14 इंच तैयार, तो हमें ये 16 इंच रखना है। यहाँ से इस तरीके से मार्क कर देंगे, यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे, यहाँ पर हमारी फिटिंग का मार्क, ये अंदर वाला हमारी फिटिंग का है, बाहर वाला एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। इस तरीके से इसका मार्क हो चुका है। अब इसे सबसे पहले कट कर लेंगे। कट करने से पहले देखिए, यहाँ पर हमें कट लगा लेना है बैक और फ्रंट दोनों के लिए इस तरीके से। अब इसके बाहर की कटिंग करनी है सबसे पहले, इस तरीके से। और अब इसे यहां से बीच से अलग कर लेंगे सबसे पहले इसे, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे भी यहां से नीचे से कट कर लेंगे। देखिए पहले बराबर रख के इसको, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है नीचे की तरफ इसको भी कट कर लेंगे। अब इसकी बैक पीस को अलग करेंगे और फ्रंट पीस की कटिंग करेंगे। तो ये पहले हमें यहां से गले की तरफ से कटिंग करनी है। अब ये इसके आर्म होल्स की साइड से कटिंग करेंगे। अब देखिए, इसमें फ्रेंचेस कट देंगे, तो सबसे पहले ऊपर से यहां से लेंगे 5.5 इंच पर एक मार्क करेंगे,
और यहां से नीचे की तरफ हम 3.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और यहां से सीधा निशान लगाएंगे 5 इंच। और अब इस निशान को देखिए हमें इस तरीके से मिलाना है इस निशान से, इस तरीके से। इसमें जो चुन्नटे नीचे वाले, ये वाली चुन्नट भी नहीं आती, और ये भी अब बीच में आप डालना चाहें तो आप इस तरीके से यहाँ पर डाल सकते हैं दोनों तरफ, अगर नहीं है तो जरूरी भी नहीं है डालना, ये बीच से कट नहीं होता है। और एक चुन्नट यहाँ पर आएगी दोनों तरफ, दोनों पीस में। अब इसे यहां से कट कर लेंगे। इसकी फ्रंट पीस की कटिंग हो चुकी है, बैक पीस की कटिंग करेंगे। आप चाहे तो इसमें जिप यानी चेन लगा सकते हैं, लेकिन हम इसमें आई और हुक बनाएंगे। तो इसमें हमें ज्यादा गला नहीं कट करना है, सिर्फ 1 इंच का गला कट करेंगे। और यहाँ पर तो हमारे कट लगे हुए हैं, इस तरीके से इसे मिला देंगे। और अब इसे यहां से बिल्कुल पूरा अलग कर देंगे। और इसमें प्लेटों के लिए मार्क कर देंगे, तो मार्क हम यहां से 5 इंच का करेंगे और अंदर की तरफ लेंगे 3 इंच, तब यहां पर 5 इंच तक मार्क करेंगे। इस तरीके से दूसरे पीस में भी बराबर निशान कर लेंगे इस तरीके से रख के। अब देखिए इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। इस कपड़े को बिल्कुल बराबर करके रख लेंगे। अब इसको फुल लेयर में करेंगे इस तरीके से। ये हमारी फुल लेयर में हो चुकी है। अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी बाजू की लंबाई लेंगे। ये बंद की साइड है, ये खुले की साइड है, तो यहां से बाजू जितने आप लंबी रखना चाहते हैं उस हिसाब से रखें। यहां से हमें बाजू जो लेनी है वो हम बाजू यहाँ पर रखेंगे अपनी, 16 इंच तैयार रखेंगे। तो 1 इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा, 1/2 इंच ऊपर, 1/2 इंच नीचे, भी इसमें पट्टी लगाएंगे, तो यहां से हम इसे 17 इंच लेंगे। आप जितनी बाजू रखना चाहते हैं उस हिसाब से रखें। यहां से देखिए नेट है, थोड़ा हल्का निशान दिख रहा है इस तरीके से। और यहां से हमें 9 इंच पर एक मार्क करना है, जैसे कि हमने बताया 7 इंच अपने आर्म होल्स लिया है, तो उससे 2 इंच एक्स्ट्रा नेट को लेना है। यहां से अब यहां से भी हमें देखिए एक मार्क 17 इंच पर ही कर लेना है। अब यहां से देखिए क्या करना है हमें, इसकी सीधा मार्क कर लेंगे 9 इंच पर। देखिए यहां से यहां पर हमने 9 इंच पर मार्क कर लिया है इस तरीके से। तो अब ये धर के जो हमारा ये कपड़ा है, इसमें से हम अपने नेक के लिए फ्रिल निकालेंगे। तो इस चीज का ध्यान रहे कि इधर से हमें बाजू की कटिंग करनी है, ये नीचे बॉटम रखना है। तो यहां से हमें 3 इंच कम करना है, यानी कि डाउन कर लेंगे खुले की साइड से। और इस मार्क को हमें इस तरीके से इससे मिलाना है जैसे हम नॉर्मल बाजू करते हैं। और यहाँ पर 1/2 इंच की गहराई और लेके इस तरीके से मिला देंगे। और जितना भी आप इसका बॉटम खुला रखना चाहते हैं उस हिसाब से रखें। हमारा बॉटम है 5 इंच यानी 5 इंच, तो हम इसका 7 इंच लेंगे यहाँ से। और इस निशान को हम इस तरीके से तिरछा इससे मिला देंगे। अब इसे इसी तरीके से हमें कट करना है। इसे ऐसे कैसे अलग कर लेंगे और पहले बाजू की कटिंग कर लेंगे। और देखिए इसके 2 लेयर उठाएंगे ऊपर की तरफ, सिर्फ 2, और यहां पर 1/2 इंच की गहराई का कट और देंगे जो हमारा फ्रंट पीस की तरफ होगा। अब इसकी बाजू की बॉटम के लिए हम पट्टी कट कर लेंगे। ये जो हमारी नीचे से सीधी पट्टियां निकली हैं वो इसके बाजू पर लगाएंगे। अब बाजू की कटिंग हो चुकी है, अब इसकी फ्रिल कट करेंगे।
तो देखिए यहाँ से ये हमारा इस तरीके से आया हुआ है, ये एक तरफ से जॉइंट है और एक तरफ से खुला हुआ है। तो इसे यहाँ से पहले ऊपर से एक्सार कर लेंगे बिल्कुल बराबर, और इसके कॉर्नर भी नीचे से बिल्कुल बराबर आए हुए हैं। तो इसकी फ्रिल कब जो बीस सेंटर रहेगा वो यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लेंगे इस तरीके से। तो इसकी देखिए इस तरीके से फ्रिल आएगी कि नेक की तरफ, बैक नेक की तरफ और आगे की तरफ लंबी होगी फ्रिल, और यहाँ से जो हमने बाजू कट की है उस हिसाब से इसकी और रेप की तरह कटिंग हो चुकी है। ये हमारी जो सीधी साइड है ये हम नेक के ऊपर सिलेंगे और ये नीचे की तरफ रहेगा, और नेट है तो इसमें से धागे वगैरह नहीं निकलेंगे, इसके ऊपर हम कोई सिलाई वगैरह नहीं लगाएंगे, इसे ऐसे ही रखेंगे, अब इसे सिलेंगे। अब सबसे पहले देखिए इसके फ्रंट पीस को तैयार करेंगे, तो इसे हमें इसी तरीके से इसके ऊपर सिलना है, जैसे हमने इसे कट किया है उसी तरीके से इसे सिलना है। और इसी तरीके से हम दूसरी वाली साइड को भी सिल के तैयार करेंगे जैसे हम इसे कर रहे हैं। सीधा करके दबाने वाली सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो इसमें कोई पाइपिंग वगैरह भी लगा सकते हैं। तरीके से देखिए इसमें हमें प्लेट डाल लेनी है, एक इधर डाल लेंगे। अब देखिए इसके फ्रंट पीस तैयार हो चुका है, इसके बैक पीस में हमें प्लेटें डालनी है और इसमें आई हुक वाली पट्टियां लगानी है। तो इस तरीके से पकड़ेंगे और प्लेट डाल देंगे यहाँ पर, इसको बिल्कुल एक साथ पकड़ के जितना हमने मार्क किया है उसी हिसाब से हमें प्लेटें डालनी है। इस बैक पीस में हमने आई हुक वाली पट्टियां लगा ली हैं, आई हुक वाली पट्टियां लगाना बिल्कुल सिंपल है। और इसके बाद हमें ये फ्रंट पीस में जॉइंट करना है। हर छोटी छोटी चीज दिखाने से वीडियो काफी लंबी हो जाती है, तो अब यहाँ पर देखिए इसे इसी तरीके से इसके तीरा को जॉइंट करेंगे, रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और फिर इसे इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। ये दोनों जगह पर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए इसे यहाँ पर हमें बाजू को तैयार करना है, तीरा हमने जॉइंट कर लिया है। और कोई भी अगर आप नेट से बाजू या कोई चीज बना रहे हो तो उसमें कपड़े की पट्टी लगाना जरूरी है, खाली नेट पर अच्छे से सिलाई नहीं चलती है। तो यहाँ पर इसी तरीके से नीचे की तरफ रखा है हमने इसको, इसके ऊपर सिलाई लगानी है हमें अच्छे से। कट करेंगे और यहाँ से देखिए अब इसे पलटेंगे, तो पहला फोल्ड हम हाफ इंच पे लेंगे और बाकी का इसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से। आप चाहे तो इसे बिल्कुल नेट के अंदर की तरफ भी फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये हमने बाहर की तरफ भी फोल्ड की है। आप चाहे तो इसके ऊपर कोई लेस वगैरह भी लगा सकती हैं। इसी तरीके से हम दूसरी वाली बाजू को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए हमने दोनों बाजू कंप्लीट कर ली है, बाजू को उल्टी साइड से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई करेंगे। इस चीज का ध्यान रहे जैसे हमने कटिंग की है बैक पीस की तरफ बैक पीस आना चाहिए, फ्रंट की तरफ फ्रंट पीस। ऊपर इसी तरीके से कपड़े को नेट का कपड़ा खींचता है तो इसे खींचेंगे नहीं, आराम से ही लगाना है। इस बाजू को हमें इस तरीके से ही पूरा कंप्लीट कर लेना है लगा के। अब इसके जो तीरा जॉइंट है उस जगह पर छोटी छोटी सी हम दो से तीन प्लेटें डाल देंगे, ज्यादा नहीं बिल्कुल थोड़ी सी प्लेटें डालनी है इसका लुक देने के लिए।
और ये पूरे में कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे वाली बाजू को लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से बाजू लग चुकी है। अब देखिए दोनों बाजू हमने लगा ली हैं और इसके बाद में हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। इस तरीके से हम इसकी सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से देखिए अपनी बाजू की फिटिंग नाप लेंगे, जितना आपको रखना है उस हिसाब से रखें। ये हम 5 इंच रखेंगे यानी 5 इंच यहाँ से कर रहे ढीला, आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से इसे रखें। इसको बिल्कुल बराबर करते हुए इसकी फिटिंग करेंगे। और इसी तरीके से नीचे तक इसमें फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए इसकी पूरी की फिटिंग कर ली है हमने और इसकी नेक के ऊपर हमें फ्रिल लगानी है। तो इसका नेक का 20 सेंटर निकाल लेंगे और एक छोटा सा कट लगा देंगे इस तरीके से। अब इसके ऊपर वो नेट लगाएंगे। तो इस कपड़े को हमें रखना है इस तरीके से। अब देखिए ये जो ब्लाउज है हमारा ये उल्टा रखा है ऊपर की तरफ और नेट को भी हमें उल्टा ही रखना है और यहाँ से बिल्कुल बराबर ऐसे रख लेंगे। और बैक पीस में हमें छोटी छोटी ही 2-3 चुन्नटे डालनी है, ज्यादा नहीं डालनी है। फ्रंट की तरफ हमें ज्यादा चुन्नटे लेनी है। तो जैसा कि हमने बताया नेट में भी हमने 20 सेंटर में एक कट का निशान लगाया हुआ है और गले के अंदर भी उसी हिसाब से हमें इसे सिलना है। और जो इसकी नोके बनी हुई है वो नीचे की तरफ है, जिस तरह से ये बिल्कुल प्लेन शार्ट था वो ऊपर की तरफ है। अब यहाँ से थोड़ी चुन्नटे चौड़ी डालेंगे ताकि इस कपड़े में कवर होता है। इसका भी सेंटर यहां पर है। अब देखिए दोनों का बिल्कुल 20 सेंटर आ चुका है। अब इससे इधर की चुन्नटें ये बिल्कुल 20 सेंटर पे इसकी नोक आई हुई है। अब इसी तरीके से जैसे हमने इधर चुन्नटें डाली हैं उसी तरीके से छोटी छोटी प्लेटें इधर भी डाल लेंगे। थोड़ी सी यहाँ 20 सेंटर में हमने थोड़ी चौड़ी चौड़ी डाली है और बाकी बाहर की साइड थोड़ी छोटी छोटी है। यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल बराबर ही रखनी है हमें जैसे हमने उधर रखी है। और देखिए अब इसे पलट के इस तरीके से करेंगे और फिर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब इस तरीके से इसे करके अच्छे से इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये सिलाई हमें पूरे नेक के ऊपर लगानी है। प्लेटों को अच्छे से बिल्कुल एक साथ पकड़ते हुए तब सिलाई को लगाना है। इससे क्या है कि ये नीचे की तरफ बैठ जाएगी पूरी जो फ्रिल है।
ये देखिए हमने इसी तरीके से पूरे नेक पर सिलाई लगा ली है, यहाँ पर इसे यहाँ तक लगा के कंप्लीट कर देंगे। देखिए इस तरीके से इसकी फ्रिल आई है। अब इसे नीचे से यहाँ से फोल्ड कर लेंगे। तो पहला फोल्ड हम हाफ इंच पे लेंगे और दूसरा फोल्ड हम एक इंच पर लेंगे। अब देखिए इस पूरी पेटी को नीचे से फोल्ड कर लेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और ये ब्लाउज आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए इसका लुक कितना प्यारा आया है, एक बार आप ट्राई जरूर करें। ये पूरा हमारा बन के कम्प्लीट हो चुका है इस तरीके से। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।